उनका बना दिया। वो किसका दिल? तसव्वुफ वालों, द हार्ट ऑफ द पीपल ऑफ तसव्वुफ हैज बिकम इन्वॉल्व। और उनकी हिदायत में हमने ज्यादा फरमा दिया, और दे हिदायत हैव बीन इंक्रीज, क्योंकि उनका दिल जब देखा अल्लाह ने तो देखा अपने करीब पाया। सो व्हेन अल्लाह तआला लुक एट देयर हार्ट, इट वाज इट इज हैव बिकम नियर। तो जब उनका दिल अल्लाह ने अपने करीब पाया, यानी अल्लाह वाले अल्लाह के बंदे जो तसव्वुफ वाले हैं, तसव्वुफ के कौन बंदे हैं? हु आर द पीपल ऑफ तसव्वुफ, हु आर द पीपल तसव्वुफ, तो वो है औलिया किराम। दिस मीनिंग इज कुरान शरीफ जिद नाहुम हुदा, यानी हुदा से मुराद हिदायत वाले बंदे, यानी वो जो सिरात मुस्तकीम पर हैं। Those are the people that are on Sirat al-Mustaqim. तो वो हिदायत पर हैं। They are on हिदायत। तो वो कौन है? वो जमात? वो जमात? औलिया इकराम जमात। औलिया इकराम। तो जिद ना हूं हुदा, अल्लाह ने उनके दिलों को हिदायत वाला दिल बनाया। अल्लाह ताला इस मई दे हाथ हिदायत वाला, हिदायत वाला दिल बनाया। अध्ययन अफ्तर वह बतना हूं अला कुलूबी, और हमने उनके दिलों को अपने रास्ते वाला दिल बना दिया, यानी अपने से ताल्लुक रखने वाला दिल बना दिया। इज कनेक्शन विथ मी क्लोज है, क्लोज अल्लाह वाले अहले तसव्वुफ, तो वो अल्लाह से करीब होते हैं, गाफिल नहीं होते। अल्लाह के वो करीब होते हैं, तो वो है तसव्वुफ वाले। Those are the people of तसव्वुफ। तो तसव्वुफ का जो फर्स्ट मीनिंग ऑफ तसव्वुफ वो है बुखारी शरीफ में और तिर्मिजी में और मुस्लिम शरीफ में, वो हदीस शरीफ में। हदीस बुखारी शरीफ, जिब्रील अमी सरकार के बारगाह में तशरीफ लाए। जिब्रील अमी जिब्रील अमी सरकार के बारगाह में तशरीफ लाए और सामने बैठते हैं सच इन फ्रंट। तो सरकार को पूछा ईमान के बारे में, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट ईमान। तो यहां पर ईमान के बारे में जब पूछा तो इससे पता चला कि अकीदा भी कुछ माने रखता है। अकीदे की अहमियत बताई यहां पर, क्योंकि जो बदअकीदे लोग हैं वो अकीदे को नहीं मानते। तो यहां पर जिब्रील अमी ने अकीदा क्या है वो बताया। व्हाट इज अकीदा? जिब्रील अलैहि सलाम एक्सप्लेन टू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ईमान से मुराद वो हदीस, कौन सा? ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि व नास अजमईन। अच्छा, मां बाप से मोहब्बत, ये मोहब्बत है। टू द पेरेंट्स मोहब्बत, टू द मदर एंड फादर, दैट इज मोहब्बत। ओनली मोहब्बत है, ओनली मोहब्बत, ये सिर्फ मोहब्बत। बीवी से मोहब्बत, योर वाइफ विच यू आर लव, ओनली लव। दोस्तों से मोहब्बत, फ्रेंड्स मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत, ओनली मोहब्बत। बाहर वालों से मोहब्बत, आउटसाइड इज मोहब्बत, ये भी मोहब्बत, दैट इज ऑल्सो मोहब्बत। दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, रिलेटिव, बाहर वालों से, सबसे जो मोहब्बत है वो मोहब्बत है। फिर सरकार फरमाए इससे बढ़कर मोहब्बत करो। यू मस्ट मेक मोहब्बत मोर एडवांस देन दैट। तो जब तो तुम्हारी मोहब्बत अगर इन सबसे बढ़कर सरकार से हो जाए तो क्या फिर भी ये मोहब्बत है? इफ योर मोहब्बत बिकम सो स्ट्रांग
and more advanced than Huzur sallallahu alaihi wasallam, then what muhabbat is it? To ye sab muhabbaton se tumhari muhabbat jab sabse aage bad jaye. Of all the muhabbat, if your muhabbat goes more in advance, सबसे बढ़कर मोहब्बत जिससे हो जाए सरकार से, सरकार फरमाए ये जो बीवी की मोहब्बत है इसी मोहब्बत नहीं मुझसे करना, माँ बाप से जो मोहब्बत करते हो ऐसी भी मोहब्बत मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी. तो वन से जो आया फॉर योर वाइफ इज नॉट वांटेड, इससे भी बढ़ जाए इवन ग्रेटर इन देम, बीवी की मोहब्बत उससे भी मोहब्बत बढ़ जाए, रिश्तेदारों की मोहब्बत से भी बढ़ जाए, तो क्या ये अब मोहब्बत है? तो मोहब्बत मीनिंग मोहब्बत नो दैट द मीनिंग ऑफ मोहब्बत. सरकार इससे बढ़ के मोहब्बत चाह रहे हैं. हुजूर वांट्स ग्रेटर मोहब्बत देन दिस. अब यहां सरकार फरमाए अब इन सबसे बढ़कर तुम्हें मोहब्बत हो जाए तो अब यहां पर मकाम मोहब्बत खत्म हो गई. इफ यू वांट ग्रेटर मोहब्बत देन दैट व्हेन यू रीच दैट लेवल देयर इज नो फर्दर. तो अब सबसे बढ़ गई मोहब्बत तुम्हारी आगे, सबसे बढ़ गई इज मोर एडवांस, सरकार से सबसे ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई, मोर देन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट इज गॉन फर्दर. तो अब ये मोहब्बत में दिस इज नो मीनिंग मोहब्बत, नो द मीनिंग ऑफ मोहब्बत. तो ये लव का मकाम नहीं. सरकार फरमाए जब इन सबसे तुम्हारी मोहब्बत बढ़ जाए तो अब ये मोहब्बत नहीं, इसे इश्क कहते हैं. सो वेन इट इज एडवांस टू सच अ लेवल इट इज नो मोर मोहब्बत बट इट बिकम्स इश्क. अब ये इश्क का मीनिंग है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इश्क, एडवांस मोहब्बत. तो मकाम में मोहब्बत डिफरेंट, इश्क डिफरेंट. With your love with your wife, this is only love. But your love all success when जब सरकार से तुम्हारी मोहब्बत द ग्रेटेस्ट पद पहुंच जाएगी. तो ये है इश्क का मकाम. तो उसी के दिलों पर अल्लाह ने फरमाया जिद ना हूं हुदा, हमने तुम्हारे हिदायत में ज्यादा फरमा दिया, तुम्हारी हिदायत को हमने शिक्षित बना दिया, कामयाब वाला रास्ता बना. और अबत ना हूं अला कुलूबिहिम, और तुम्हारे दिलों को हमने अपने खरीब की करी, अपने खरीब किया है, अपने रास्ते वाला दिल बनाया. द हार्ट हैज बिकम नियर टू अल्लाह. मूसा अलैहि सलाम सरकार की बारगाह में एक दिन जिक्र में बैठे हुए, जिक्र में मूसा अलैहि सलाम वाज सिटिंग इन द दरबार ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेकिंग जिक्र. तो रब की बारगाह में एक दिल में सवाल पैदा हुआ. सो वन क्वेश्चन कैन इन टू सोचने लगे, ये थिंकिंग ऑफ हिज माइंड कि मैं अल्लाह का इतना जिक्र करूं क्या वो मुझसे राजी है? आई मेक सो मच जिक्र फॉर अल्लाह तआला इज तो मुझे कैसा पता चलेगा? हाउ इज ही गोइंग टू नो दैट? बंदा जब अल्लाह का जिक्र करे वो उससे राजी है, ये बंदे को कैसा पता चलेगा? द बंदा मेक जिक्र ऑफ अल्लाह तआला, हाउ इज ही गोइंग टू नो दैट अल्लाह इज प्लीज्ड विद द जिक्र? बंदा जब अल्लाह का जिक्र करेगा अल्लाह ताला थोड़ी तुमको बोलेगा कि तुम्हारा जिक्र मैंने कबूल किया. अल्लाह ही डोंट से, ही डोंट कॉल यू, आई एक्सेप्ट योर ऑल जिक्र, यू डोंट लिसन, यू मेक लॉट ऑफ जिक्र बट ही डोंट गिव यू आंसर. आई एक्सेप्ट योर जिक्र, आई एक्सेप्ट योर इबादत, आई एक्सेप्ट योर तकवा. तो जब अल्लाह उससे बंदे से कैसे राजी हो, तो मूसा ने पूछा अरे रब्बुल आलमीन मैं तेरा जिक्र तो करता हूं लेकिन तू मुझसे राजी है ये मुझे कैसा पता चलेगा?
मुझे कैसे पता चलेगा तू मुझसे राजी है? आई मेक लॉट ऑफ योर जिक्र हैप्पी विथ मी प्लीज विथ मी हैप्पी विथ मी तो मुझे कैसा पता चलेगा? हाउ आई एम टू नो कैसा पता चलेगा? तो फिर रब ने फरमाया, अब यहाँ एक बात है तसव्वुफ की, अल्लाह ताला वो क्या है आंसर दिस इज मीनिंग ऑफ योर हार्ट। अब यहाँ पर दिल का ट्रांसलेट है, दिल का तर्जमा यहाँ है। अब जो है मूसा ने फरमाए कि रब तेरी रजा कैसे हासिल हो मूसा अलैहिस्सलाम। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ रब्बुल आलमीन कि तू मुझसे राजी है मुझे कैसा पता चलेगा? तो जब रब ने फरमाया अल्लाह सुभान व तआला गिव आंसर, यास क्वेश्चन अल्लाह ताला गिव आंसर। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया ऐ मूसा यू सी योर हार्ट, योर हार्ट हैप्पी विथ मी, आई एम हैप्पी विथ यू। अगर तेरा दिल मुझसे राजी है फिर मैं भी तेरे दिल से राजी हूं। तो दिल का ताल्लुक होता है जिक्र से, दिल का ताल्लुक जिक्र से है। तो अब यहां पता चला बंदे को द कनेक्शन ऑफ द दिल इज थ्रू जिक्र। तो दिल वो कैफियत का नाम है कि रब रब इतना कह तू, रब रब इतना कह तू, तेरा दिल रापते वाला दिल बन जाए, कैफियत वाला दिल बन जाए और राजी दिल बन जाए। और रब तेरे दिल को देखकर कहेगा कि अब ये मेरा हो चुका है। वह बतना हूं अला कुलूबिम, हमने उससे अपना राबता कायम कर दिया। अल्लाह ताला एक्सेप्ट दैट हार्ट दैट हैव बीन ऑल द टाइम्स बीन इन अल्लाह जिक्र। तो ये है दिल का ताल्लुक, इंसान का ताल्लुक, कनेक्शन, द कनेक्शन ऑफ अल्लाह सुभान व तआला। अल्लाह ताला योर सी ओनली हार्ट। तो जब तुम्हारी कोई चीज नहीं कबूल, बस तुम्हारा दिल जो है अल्लाह देखने वाला है। नथिंग इज एक्सेप्टेड, ओनली अल्लाह ताला लुक्स एट योर हार्ट। तो ईमान ये है, ईमान दैट इज मीनिंग ऑफ ईमान। अब उसके बाद ये बस गिव आंसर सरकार मदीना अलैहि सलाम जिब्रील अमीन देन ही आस अगेन सेकंड क्वेश्चन। दिस इज हदीस ऑफ सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही तिर्मिजी, इब्ने माजा, बयहकी, शोबुल ईमान, जलालैन शरीफ एंड मिशकात, लाला मदीस दिस मेन ऑल एक्सेप्ट। वहां भी आल्सो दिस हदीस नो एक्सेप्ट इन होम शरीफ, ईमान फिनिश, खारिज ऑफ इस्लाम, नो एक्सेप्ट दिस हदीस, ऑल खारिज। तो फर्स्ट वर्ड्स की मीनिंग ईमान। तो सरकार ने यहां पर जिब्रील ने पहला सवाल जो पूछा ईमान के बारे में ये है अकीदा। जिब्रील सलाम फर्स्ट क्वेश्चन ही आज ईमान क्या है, ईमान क्या है, व्हाट इज ईमान। तो ईमान अकीदे का नाम है, इज द नेम ऑफ अकीदा। ईमान इज द नेम ऑफ अकीदा, ईमान इज नेम ऑफ अकीदा। तो यहां से बद अकीदा वहाबी से, वहाबी पीपल से, उसे यू ईमान, उसे यू नबी लव यू लॉट ऑफ वाय ओनली इस्लाम। बट यहां पर सेकंड क्वेश्चन ही आज जिब्रील अमीन इस्लाम, नो फर्स्ट, फर्स्ट ही आज ईमान। तो ईमान नाम है दिल को उससे